भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संघ संगठन के द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी की एक बैठक की गई, जिसका उद्घाटन श्रमिक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री तारिणी कुमार पासवान, संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद निजामुद्दीन पिंटू, संघ के संरक्षक सिया राम सिंह राजगीर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर अमित कुमार पासवान ने दीप जलाकर संयुक्त रूप से की। संबोधन करते हुए महामंत्री तारिणी कुमार पासवान ने कहा कि हमने सरकार से समान काम का समान वेतन एवं भारतीय खाद्य निगम के मजदूरों को स्थायीकरण को लेकर राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर गजट में भी पास करवाने का काम किया है। आज भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन का राष्ट्रीय कार्य करने की बैठक की गई है, इसलिए की जाती है कि प्रत्येक दो वर्ष हमारे यूनियन का चुनाव होती है, जिसके पहले हम लोग कार्यकारिणी की बैठक करते हैं। कार्यकारिणी ये तय करती है कि हमारी कार्यकारिणी की बैठक होने के बाद हमारा जो अधिवेशन है, हमारा चुनाव है, किस स्थान और किस जगहों पर होनी चाहिए, इसलिए कार्यकारिणी की बैठक की गई। और साथ में जो देश में अभी मजदूरों के खिलाफ इस सरकार की नीति चल रही है, इस विषयों पर हम लोगों ने चर्चा करने की कोशिश किया। हमारे भारतीय खाद्य निगम में मजदूरों को समान काम की समान वेतन अपरमानेंट होने के लिए हमने क्या क्या लड़ाई और क्या क्या भारत सरकार से सफलता प्राप्त की है, जिसके पीछे कुछ यूनियन और कुछ मेजरमेंट लोग बाधा कर रही है, जिससे हमारे लोगों को लाभ नहीं मिल रहा, इस विषयों पर हम लोग की चर्चा थी। और देश में दबे कुचले हमारे जितने भी FCI के अलावा भी हमारे कल कारखाना, घर, फैक्ट्री, कहीं भी गरीब लोग काम करता है, इस पर भी हम लोग को सेंट्रल ट्रेड यूनियन में रहने के नाते, हिंद मजदूर सभा में रहने के नाते, इस विषयों पर भी हम लोग की चर्चा करनी चाहिए थी। इसी विषय पर हम लोग ने मीटिंग यहाँ बुलवाया है, उसी संबंध में हम लोग ने वार्ता किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज नालंदा की पवित्र भूमि पर, बाबा मखदूम साहब की पवित्र भूमि पर, भारतीय खाद्य निगम के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तारिणी कुमार जी के द्वारा इस तरह की कार्यकारिणी बैठक की गई है। और इसमें जो वर्तमान समय में जो संगठन है, संगठन का क्या कार्यकाल रहा, इन्होंने जो अभी तक पूरी लड़ाई को तत्परता से लड़ते हुए, चाहे वह न्यायालय का मामला हो, चाहे भारत सरकार की मामला हो या राज्य सरकार की मामला हो, इन्होंने अपनी लड़ाई को मजदूर हित में लड़ते हुए, मजदूरों को स्थायीकरण करने के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ते हुए, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक के राज्यसभा और लोकसभा में सभी जगह से इन्होंने प्रस्ताव को पारित करवा के गजट पास करवाने का काम किया है। और जब स्थायीकरण करने की बात आई है तो FCI जो भारतीय खाद्य निगम है, उसके अधिकारी लोग बीच में जो तथाकथित लोग हैं, किसी एक साजिश के तहत मामला को न्यायालय में अटकाने का काम किया है, उस पर भी तारिणी कुमार जी के द्वारा तेजी से लड़ाई को और छेड़ा जा रहा है, अभियान को छेड़ा जा रहा है। मैं समझता हूँ आज नहीं तो कल न्यायालय के द्वारा भी हम लोग को सफलता मिलेगी और सभी मजदूर भाइयों को स्थायीकरण किया जाएगा। इसी उद्देश्य को लेकर हमारे जो मजदूर भाई यहाँ जुटे हैं, उसको सारी समस्याओं का, सारे जो हमारे उपलब्धि हुआ, इसको बताने का काम किया गया है। और जो प्रत्येक वर्ष दो वर्ष का जो अधिवेशन होता है, इसकी तैयारी के लिए भी बड़े पैमाने पर, बृहद पैमाने पर इसकी तैयारी की जाएगी। इसकी तैयारी हेतु अभी और विस्तृत चर्चा होनी है और चर्चा के बाद यह निर्णय लिया जाएगा। डॉक्टर अमित कुमार पासवान।